खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटों में पकड़ाए किसान पर चाकू से वार करने वाले के हमलावर, एसपी ने की सराहना। बीती रात ग्राम देवली मार्ग स्थित खेत में काम कर रहे किसान के साथ मारपीट कर गर्दन में चाकू से वार करने वाले आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने महज 12 घंटे में ही आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी धनवीर सिंह ने शुक्रवार को सभी आरोपित शराब के नशे में थे और रास्ते पर खड़े किसान के बेटे से उनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बीच बचाव करने पहुंची चोड़ी निवासी दशरथ पटेल से मारपीट कर चाकू से वार कर दिया। पांचों हमलावर सुनसान रास्ते से भाग निकले थे, उन्हें पकड़ना चुनौती भरा था, लेकिन पुलिस टीम ने बेहतर काम किया। किसान से मिले हुलिये के आधार पर आरोपितों की तलाश में टीम रात को ही जुट गई थी। नाकाबंदी भी की गई थी। संदिग्धों के फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर से मिलने के बाद पुलिस द्वारा उनके फोटो सभी जगह वायरल कर दिए। इसी दौरान धूलकोट में संदिग्धों के होने की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, जहां से गणेश पिता वेचान निवाड़िया, गोखराली बेड़ी, पिंटू पिता भूरिया बड़ोले नी काकड़िया फाटा पिपलिया बावड़ी, सुनील पिता भूरिया बड़ोले ने नी काकड़िया फाटा पिपलिया बावड़ी, बादल पिता डोंगर सिंह भूरिया निथरपुर, जितेंद्र पिता भूरिया चौहान नी डाबला को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों पर हत्या का प्रयास करने के तहत गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपितों में से एक ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर चाकुओं के साथ कई तरह के वीडियो अपलोड किए थे, वह फेमस होना चाहता था। आरोपितों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र व नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, कल करीब 8 बजे देवली रोड पे दशरथ पटेल जो कृषक हैं मूलतः, उनके ऊपर हमला हुआ और चाकू से चोट पहुंचा के उनको गंभीर रूप से घायल किया गया था। क्योंकि सूचना बहुत ही गंभीर थी, इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए SDOP खरगोन राकेश मोहन शुक्ला, हमारे आसपास के सभी थाना प्रभारी, हमारी साइबर की टीम, ये सभी अधिकारी तत्काल मौके पहुंचे थे और ये पता लगा कि चाकू उनके शरीर में अभी है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो सबसे पहली प्राथमिकता उनका उपचार थी, तो उपचार के लिए पूरी व्यवस्थाएं इंदौर में कराई गई। हमारी जो अधिकारी ऑलरेडी इंदौर में थे, उन्होंने MBIS हॉस्पिटल पहुँच के सारी व्यवस्थाएँ की और कुल मिला के तत्काल उपचार उपलब्ध होने के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वो अभी खतरे से बाहर हैं। ये घटना काफ़ी गंभीर थी और गंभीरता को देखते हुए कई सारी टीमें इसमें लगाई गई। क्योंकि थाना प्रभारी विष्टान, थाना प्रभारी भगवानपुरा, हमारे प्रोबेशनर IPS अधिकारी, कई सारी टीमें इसमें लगाई गई। पूरी रात इसमें कॉम्बिंग और सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। कई सारी लीड्स इसमें मिली कि हमला किस कारण से हुआ और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बाद इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 आरोपी स्थानीय भगवानपुरा विष्टान क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। घटना के समय इनका किसी कारण से विवाद हुआ था दशरथ के लड़के से। जब दशरथ ने वहाँ पहुँच के इंटरवीन किया तो इनमें से 2 व्यक्तियों ने जो चाकू इनके पास रखा हुआ था, चाकू से हमला कर दिया और गंभीर रूप से उनको घायल किया था। इन 5 में से एक जो आरोपी है, ऑलरेडी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, स्थायी वारंट जारी किए हुए हैं। इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जा रहे हैं। प्रेमा फेसिया यंग लड़के हैं और मुझे लगता है भ्रमित लड़के हैं और इस प्रकार की घटनाएं करके समाज में अपनी आइडेंटिटी स्थापित करना चाहते हैं। 5 को अरेस्ट कर लिया गया है। इनकी गुजरात की पृष्ठभूमि भी है। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की हम लोग जाँच कर रहे हैं। इस प्रकार 24 घंटे से भी कम समय में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अपराध में सभी जो आरोपी संलिप्त थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और टीम्स ने अलग अलग स्थानों पर रेड करके गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे अपराध में खुलासा करने के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का नाम घोषित किया गया था, जो पूरी टीम को दिया जाएगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।